हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम लोग एक और हैकर रैंक की प्रॉब्लम देखेंगे। ये मैथमेटिक्स सेक्शन की प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम है मोस्ट डिस्टेंट। प्रॉब्लम को हम रीड आउट करते हैं। केको हैज एन डॉट्स इन अ 2D कोऑर्डिनेट प्लेन। ही वांट्स टू मेजर द गैप बिटवीन द मोस्ट डिस्टेंट टू डॉट्स। टू मेक द प्रॉब्लम इजियर, केको डिसाइडेड टू चेंज ईच डॉट्स एक्स और वाई कोऑर्डिनेट टू 0। इसका मतलब है कि 2D कोऑर्डिनेट्स में बहुत सारे पॉइंट्स हैं और हमें क्या करना है कि उन पॉइंट्स में से मोस्ट डिस्टेंट टू पॉइंट्स को मुझे सर्च करना है। जो एक्स मैंने इस प्रॉब्लम को आसान बनाने के लिए ऐसा किया गया है कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में से किसी एक को 0 कर दिया गया है। तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसान करेगा, केवल इसीलिए इसमें से एक्स ऑफ वाई में से किसी एक पॉइंट को 0 कर दिया गया है। सो हेल्प केको टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। जो लार्जेस्ट डिस्टेंस है या जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो मुझे फाइंड करनी है। प्रॉब्लम 30 मार्क्स की प्रॉब्लम है, लेकिन मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम अच्छी प्रॉब्लम है। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जो कि यहाँ पे गिवन है। और यहाँ पे कहा गया है कि मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं, -1, 0, 1, 0, 0, 1 एंड 0, -1। तो इसको हम प्लॉट करके देखते हैं। सो ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है और ये मेरा वाई कोऑर्डिनेट है। इनको हम प्लॉट करके देखते हैं इन पॉइंट्स को। सो -1, 0 मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट -1 और वाई कोऑर्डिनेट 0, ये हो गया। इसके बाद फिर 1, 0, इसका मतलब कि यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं 1, 0। फिर इसके बाद 0, 1 मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 और वाई कोऑर्डिनेट 1, तो 0, 1 ये वाला पॉइंट हो गया। अब इसके बाद एक और पॉइंट है जिसका नाम है 0 एंड -1। तो हमने इसको प्लॉट कर लिया है। अब जो डिस्टेंसेस पॉसिबल हैं वो मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वैसे तो जो क्लियरली गिवन है इसमें हम ये कह सकते हैं कि 2 डिस्टेंस मुझे दिख रही है, चाहे आप हॉरिजॉन्टली देख लीजिए चाहे वर्टिकली देख लीजिए, इन दोनों पॉइंट के बीच में 2 डिस्टेंस दिख रही है। लेकिन मान लीजिए कि 4 से ज्यादा अगर पॉइंट होते तो मुझे ये समस्या आती। तो चूंकि इनमें से एक कोऑर्डिनेट 0 है, ये मेरे लिए बड़ा ही बेनिफिशियरी है। तो मैं काम करता हूँ कि एक एक्स मिनिमम फाइंड कर लेता हूँ, इसी तरह से एक्स मैक्सिमम फाइंड कर लेता हूँ, इसी तरह से मैं वाई मिनिमम फाइंड कर लेता हूँ और वाई मैक्सिमम फाइंड कर लेता हूँ। तो जो एक्स मिनिमम अगर मैं फाइंड करूंगा तो जो पॉइंट होगा वो एक्स मिनिमम 0 होगा, और अगर मैं एक्स मैक्सिमम फाइंड कर रहा हूँ तो ये वैल्यू होगी, मैं जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स मैक्सिमम कॉमा 0 होगा, और अगर मैं वाई मिनिमम फाइंड कर रहा हूँ तो कोऑर्डिनेट होगा 0, y मिनिमम, और अगर वाई मैक्सिमम मैंने फाइंड कर लिया तो जो पॉइंट होगा वो 0, y मैक्सिमम होगा। तो मेरे पास ये पॉइंट्स हैं P1, P2, P3 और P4। मान लेते हैं कि मेरे पास 4 पॉइंट्स हैं। अब इन चारों पॉइंट में से इन चारों पॉइंट की मैं डिस्टेंस फाइंड कर लेता हूँ एक दूसरे से, और इनमें चूंकि ये मिनिमम और मैक्सिमम वाले पार्ट हैं, इसका मतलब है कि इसी से मुझे लार्जेस्ट डिस्टेंस मिलेगी। तो मैं एक काम करता हूँ कि P1 पॉइंट जो है उसकी डिस्टेंस P2 से निकाल लेता हूँ, इसी तरह से मैं P1 की जो डिस्टेंस है वो P3 से निकाल लेता हूँ, और फिर मैं P1 की डिस्टेंस P4 से निकाल लेता हूँ। जब मैंने ये कर लिया तो देन उसके बाद मैं P2 की डिस्टेंस निकाल लेता हूँ P3 के साथ, और फिर जो P2 पॉइंट है उसकी डिस्टेंस निकाल लेता हूँ P4 के साथ। फाइनली मैं P3 और P4 के बीच की डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास 4 पॉइंट्स हैं और आपको अगर उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है तो पहला सिलेक्शन 3 पॉइंट का होगा या कॉम्बिनेशन 3 पॉइंट्स का बनेगा, दूसरा कॉम्बिनेशन 2 पॉइंट का बनेगा और तीसरा कॉम्बिनेशन 1 पॉइंट का बनेगा, मतलब टोटल 6 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। इसको आप 4C2 भी कह सकते हैं। बट एनीवे हमने यहाँ पे ऐसा किया कि P1 पॉइंट को सेलेक्ट किया और उसकी डिस्टेंस P2, P3 और P4 सबसे निकाला। सिमिलरली P2 को सेलेक्ट किया तो P3 और P4 के बीच में डिस्टेंस निकाला इसकी। फाइनली मैंने जब P3 को सेलेक्ट किया तो उसकी P4 से डिस्टेंस निकाल लिया। इन सभी डिस्टेंसेज में जो लार्जेस्ट डिस्टेंस होगी वही मेरा आंसर होगा। तो आप इसको आप तो ये जानते हैं कि 6 पॉइंट्स अगर आपके पास हैं या 6 वैल्यूज आपके पास हो तो उसमें से लार्जेस्ट कैसे फाइंड किया जाता है, तो इसी को हम लोग कोड करके देख लेते हैं। जब आप इसको कोड करने चलेंगे तो ये मैंने एक प्रॉब्लम ऑब्जर्व किया था, आप भी इस प्रॉब्लम को शायद ऑब्जर्व करेंगे कि अगर मैंने डायरेक्टली इसको कोड करने की कोशिश की जो फंक्शन गिवन है उसमें, तो मेरे कुछ टेस्ट केसेस पास नहीं हो रहे थे, इनफैक्ट बहुत सारे टेस्ट केसेस पास नहीं हो रहे थे। तो मैंने इसको फ्रेश लिखने की कोशिश की है। फ्रेश लिखने में सबसे पहले मैंने क्या कर लिया है कि जो इन नंबर ऑफ पॉइंट्स है वो इनपुट करा लिया है। एक बार जरा इनपुट फॉर्मेट देख लेते हैं जिससे कि आसान होगा आपको भी समझने में। इनपुट फॉर्मेट में कहा जा रहा है कि द फर्स्ट लाइन कंटेन्स एन इंटीजर एन
the number of the dots, and then next n lines contain each coordinates of the points. Fine. यहाँ पे constraint भी देख लेते हैं. Constraint ये कह रहा है कि 10^6 points हो सकते हैं. इसका मतलब बहुत बड़ी value. इसका मतलब है कि इसका मतलब मुझे जो answer यहाँ पे find करना है वो n time में ही find करना है. Okay. और जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट की जो वैल्यूज हैं वो -10^9 से 10^9 तक है. इसका मतलब है कि ये लॉन्ग वैल्यूज हो सकती हैं जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट से. आउटपुट फॉर्मेट में मुझे डिस्टेंस प्रिंट करना है और विद एरर ऑफ एटमोस्ट 10^-6. इसका मतलब है कि डेसिमल के बाद 6 पॉइंट्स तक का मुझे प्रेसिजन प्रोवाइड करना है. तो मैं 6 से भी ज़्यादा दे देता हूँ, मैं डबल दे देता हूँ. डबल का मतलब है कि वो 12 पॉइंट्स तक मुझे जो रिजल्ट है वो प्रोवाइड कर देगा. चाहे 6 प्रोवाइड करें आप चाहे 12 प्रोवाइड करें, दोनों सेम आंसर प्रोड्यूस करेंगे. सबसे पहले मैं मेन में आता हूँ और मेन में इनपुट करा लेता हूँ जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं. इसके बाद फिर मैं जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनकी इनको एंट्री करा लेता हूँ. इंटीजर पॉइंट्स होंगे, इंटीग्रल पॉइंट्स होंगे, इसलिए एक्स एन और वाई एन दो एरे ले लिया. इस एक में एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा और एक में वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा. फिर इसके बाद एक लूप लगा के मैं इन पॉइंट्स की एंट्री करा लेता हूँ. इनपुट मैंने करा लिया. इनपुट कराने के बाद मैं 4 पॉइंट्स डिक्लेयर कर रहा हूँ. मिन एक्स, मैक्स एक्स, मिन वाई एंड मैक्स वाई. अगर मेरे पास एक एरे आ गया है तो उस एरे में जो एक्स दो एरे है, एक्स एरे और वाई एरे, एक में एक्स कोऑर्डिनेट होगा और एक में वाई कोऑर्डिनेट होगा. तो एक्स जीरो को मैं मिन एक्स से इनिशलाइज कर देता हूँ, एक्स जीरो को मैक्स एक्स से, मिन वाई को वाई जीरो से और मैक्स वाई को वाई जीरो से. तो आपको पता है कि मिन और मैक्स अगर आपको फाइंड करना है उसमें बड़ी आसानी से आप मिन और मैक्स फाइंड कर सकते हैं. तो टोटल एन पॉइंट्स हैं, मतलब कि जीरो से लेके एन माइनस वन तक इंडेक्सेस होंगे एरे में. तो पहला वाला जो है आपने उसको इनिशलाइज कर लिया मिन और मैक्स के लिए. तो अब आप सेकेंड पॉइंट ऑनवर्ड कंपेरिजन स्टार्ट कीजिए. अगर एक्स आई लेस देन मिन है, मिन एक्स है तो मिन एक्स इक्वल्स टू एक्स आई. अगर एक्स आई ग्रेटर देन है मैक्स एक्स तो मैक्स एक्स इक्वल्स टू एक्स आई. सिमिलरली वाई, अगर वाई आई लेस देन मिन वाई है तो मिन वाई इज इक्वल टू मिन वाई को आपने अपडेट कर दिया. सिमिलरली अगर वाई आई बड़ा है मैक्स वाई से तो आपने मैक्स वाई को अपडेट कर दिया. जब तक लूप चलेगा, लूप के बाद हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज आ जाएंगी. इसके बाद हमने 6 डिस्टेंसेस की बात की थी या 6 अलग अलग डिस्टेंसेस की बात की थी. तो एक एरे 6 ले लिया जिसमें कि 6 डिस्टेंसेस को हम नोट डाउन कर लेंगे और जो मैक्सिमम डिस्टेंस उसको हमने 0 से इनिशलाइज की है. तो हम क्या करते हैं कि डिस्टेंसेस फाइंड करते हैं. डिस्टेंसेस हम किसके किसके बीच में फाइंड करेंगे? डिस्टेंसेस हम फाइंड करेंगे मैक्स एक्स, मिन एक्स. फिर हम फाइंड करेंगे मैक्स मैक्स वाई और मिन वाई. इसको एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं एनोटेशन से, जिससे कि आपको ये जो रिटर्न है वो क्लैरिटी हो. तो हमने क्या क्या फाइंड किया है? एक्स मिन फाइंड किया है, एक्स मैक्स फाइंड किया है, वाई मिन फाइंड किया है और वाई मैक्स फाइंड किया है. तो इसको अगर मैं पी वन मानूँ, ये पी टू मानूँ, ये पी थ्री और ये पी फोर. तो पहले आप पी वन पी टू के बीच में डिस्टेंसेस फाइंड कर रहे हैं. इसका मतलब कि एक्स मिन और एक्स मैक्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करें तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? ऑब्वियसली मैक्स और एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन होगी. इसी तरह से जो दूसरी डिस्टेंस आप फाइंड कर रहे हैं वो फाइंड करेंगे एक्स मिन की वाई मिन के साथ. एक्स मिन की आप वाई मिन के साथ डिस्टेंस फाइंड करेंगे, वो हमारी ये वाली है मिन एक्स और मिन वाई के बीच में डिस्टेंस. इसी तरह से नेक्स्ट जो आप फाइंड कर रहे हैं वो एक्स मिन और वाई मैक्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करें. तो देखिए कि एक्स मिन और वाई मैक्स वाली डिस्टेंस कौन सी है, वो ये वाली है. इसके बाद आप डिस्टेंस फाइंड करेंगे एक्स मैक्स और वाई मिन के बीच में. एक्स मैक्स और वाई मिन की डिस्टेंस हमारी ये वाली हो गई. और फिर एक्स मैक्स और वाई मैक्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे. सो एक्स मैक्स और वाई मैक्स के बीच में डिस्टेंस ये वाली हो गई. फाइनली आप पी थ्री पी फोर के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे जो है वाई मिन और वाई मैक्स. इनके बीच की डिस्टेंस तो सिंपली यही होगी ना कि मैक्स और वाई मैक्स माइनस वाई मिन, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट पे है. तो मान लेते हैं कि वाई मैक्स हमारा ये है, वाई मिन ये है. क्योंकि इसके एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होंगे तो वाई मैक्स माइनस वाई मिन जो होगा वही मेरा आंसर होगा. तो मैंने यहाँ कर लिया. तो 6 के 6 पॉइंट को मैंने यहाँ पे देख लिया कि करेक्टली रिटन है. तो मान लेते हैं कि डिस्टेंस नाम का फंक्शन है और डिस्टेंस नाम का फंक्शन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर देता है. तो यहाँ पे दो पैरामीटर पास हैं और डिस्टेंस नाम के फंक्शन में और हमें डिस्टेंस मिल जाएगा. ये देखते हैं कि डिस्टेंस फंक्शन हमारा कैसा है.
तो डिस्टेंस फंक्शन में मेरी दो वैल्यूज पास है, ए और बी, और ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसे निकलेगी? आपको ये बात पता होगा कि अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम ऐसे लिखते हैं, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, फाइन। तो यहाँ पे चूंकि दूसरा वाला जो कोऑर्डिनेट है वो जीरो ही है, तो इसलिए मैं केवल इसी पे वर्क करूंगा, एक्स टू और वाई टू पे। तो जब मैं वाई टू लिखूंगा तो इसको ए अगर है तो ए स्क्वायर लिख दूंगा, मतलब ए इंटू ए, और जब मैं एक्स टू लिखूंगा तो इसको लिख देते हैं लेट से बी इंटू बी, और इसके बाद फिर मैं इसका अंडर रूट ले लूंगा। तो यहाँ पे टू स्टेप प्रोसेस मैंने किया कि सी इज इक्वल टू ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, एंड देन उसके बाद स्क्वायर रूट आपने ले लिया इसका और उसी स्क्वायर रूट को आपने रिटर्न कर दिया। ये ध्यान दीजिए कि स्क्वायर रूट को आपने डबल वैल्यू लिया है, क्योंकि मैं मुझे जो आंसर प्रोड्यूस करना है वो फ्लोटिंग पॉइंट आंसर प्रोड्यूस करना है। तो अब आते हैं जो कंपैरिजन इनका है, कंपैरिजन कैसे किया जा रहा है कि हमारे पास एक एरे हमने लिया, वो उसका सिक्स साइज मतलब 6 पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है, ओके। मैक्स को मैंने जीरो इनिशलाइज किया था, आई होप आपने ऊपर देखा था। तो एरे का आईएथ एलिमेंट को मैंने चेक कर लिया, अगर वो ग्रेटर देन मैक्स है तो मैक्स को अपडेट कर दिया, और फाइनली जो मैक्स वैल्यू है उसी को मैंने प्रिंट कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि 6 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट में से अगर मुझे मैक्सिमम फाइंड करना है तो मैं एक एक करके मुझे उससे कंपेयर करना पड़ेगा। कोड को रन करके देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि सैम्पल टेस्ट केस प्रॉपरली रन कर गया है। अब इसको सबमिट कर लेते हैं, यस, हमारे जितने भी टेस्ट केसेस थे वो सारे के सारे पास हो गए। मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि इनका जो फंक्शन है हैकर रैंक का, उसमें काफ़ी सारे टेस्ट केसेस पास नहीं हो पाते, तो इसीलिए मैंने इसका फ्रेश लिखा कोड, और इससे मेरे सारे के सारे टेस्ट केस पास हो जा रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट अगेन विद अ न्यू कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग।